पहले पैसे दीजिए। तुम वही हो ना जिसके बारे में बात हुई थी? क्या मतलब? तुझे ही बोला था ना। हाँ हाँ मैं ही हूँ। सो आई एम गेसिंग जिसके पैसे दिए वो उसे नहीं मिलेंगे। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। देखो बेब्स, फंडा बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज डड्स। एग्जैक्टली, ऐसे में जो कॉल गर्ल्स को ढूंढते हैं फॉर बैंग बैंग, एंड व्हाट आर वी रिप्रेजेंटेटिव्स। हम उन्हें कॉल करते हैं, मीटिंग पॉइंट्स फिक्स करते हैं, प्राइस फिक्स करते हैं, और जब सेफली हमारे हैंड में कैश डिलीवर हो जाता है, एंड देन कल्टी मारो फ्रॉम देयर। मैं नेवर कंप्लेन, बिकॉज केस क्या बनेगा? प्रोस्टिट्यूशन इज इलीगल इन इंडिया, एंड इसमें ये खुद भी फंस सकते हैं। लेकिन ये तो चीटिंग है ना, और इसमें तो हम भी फंस सकते हैं। लाइक चीटिंग? और वो जो अपनी बीवियों को घर पर छोड़कर बाहर फिरते हैं, इज दैट नॉट चीटिंग? टू टेक जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिकली दैट सोशल सर्विस। बट डूड, आई एम सिक नाउ। कब तक ये 25,000 50,000 के प्लान बनाते रहेंगे? वी रियली नीड टू गो बिग नाउ। बैंग ऑन। एग्जैक्टली। तुम लोग ऐसा क्या प्लान कर रहे हो? देख, द आइडिया इज सिंपल। फाइंड यंग रिच मैन ऑन द डेटिंग ऐप कॉल टिंगल्स फॉर सिंगल्स। Unlocked. Lure him to the house for a date and then hold him hostage. Family se ransom mango. And once the money is transferred to our account, chhod do saale ko. Kya, lekin ye to kidnapping hai. Aur agar hum phans gaye na to seedha jail. No, I'm not doing this. देख, सिंपल है। अगर पकड़े गए तो विल गो टू द पुलिस स्टेशन वन बाय वन, तो उनपे रेप या मॉलेस्टेशन के चार्जेस लगा देंगे। कोर्ट के चक्कर काटते रह जाएंगे, ऊपर से उनका बेटा बदनाम। उससे बेटर है दिल पे अस एंड गेट रिड ऑफ दिस होल मैटर। देखो, पॉइंट इज दीज रिच पीपल मेक मनी थ्रू अस ओनली। मिडिल क्लास लोगों को यूज करके पैसे कमाते हैं ये लोग, और अगर उसमें से कुछ जरूरत के लिए पैसे हम कमा ले तो प्रॉब्लम क्या है? छोड़ फटू, तुझसे नहीं होगा, रुच और मैं कर लेंगे। और सुन, अगली बार से अपना 10 टाइम पे दे दिया कर, वी नॉट हेल्पिंग यू एनी मोर। और भाई को तो बचाना तुमने है नहीं, पैसे भी बच जाएंगे, है ना? सही है। प्रिया, जस्ट चिल। देखो, तुम्हें हर्ट करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, पर जरा अपने भाई के बारे में सोचो। उसके पास पैसे नहीं है सर्वाइव करने के लिए, और वो उज्जैन वाला घर कर्जे में है। कभी भी बैंक वाले आके उसे लेके जा सकते हैं। तू अपनी ऑनेस्ट वाली नौकरी का वेट कर और अपनी लाइफ की जी मार। रुक, चल, लोड्स ऑफ प्लानिंग टू डू यार, चल ना यार। देख ले बेटा, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं कि इस बार ऑपरेशन नहीं हुआ तो गर्ल्स, प्लान क्या है? बर्थडे पे होती। डैड ने मुझे पता है क्या गिफ्ट दिया था? क्या? अरमानी पहनी थी मैंने बहन की शादी पे लास्ट मंथ। यार तुम्हें होना चाहिए था वहाँ पे। ऑफ कोर्स नॉट, मैं अपने क्लब हाउस में हूँ। कभी आओ ना यहाँ पे, इनफैक्ट घर भी आओ। कौन से वाले घर पे आओगी, इंदौर वाले या दिल्ली वाले? जो भी तुम कहो, मतलब जैसा तुम्हें ठीक लगे। लेट्स डू वन थिंग, वीकेंड ट्रिप पे चलते हैं मनाली, बेस्ट रहेगा इस समय।
अपना घर है मेरा, एंड यू नो प्राइवेसी भी रहेगी, यू एंड मी, व्हाट इज इट, परफेक्ट, टिकट्स कराऊं? या डन डूड, दिस लुक्स लाइक अ परफेक्ट टारगेट. ट्रू, मैंने ना इसकी फ्रेंड्स बुक पे प्रोफाइल देखी, बहुत रिच है, हर महीने फॉरेन ट्रिप्स करता है. वाओ, सी $80 lakhs, तुमने ऐसे खर्च कर दिए थे लास्ट मंथ दी की शादी पे. अरे डूड क्या पार्टी थी, इट वाज सुपर फन, दिल्ली के सैनिक फार्म में, यू तो नो ना सैनिक फार्म. अरे यू डोंट नो सैनिक फार्म डूड, चलो गेस करो सैनिक फार्म में वन इवनिंग इवेंट का प्राइस कितना. टेक अ गेस, 10 lakhs. कैन यू बीट दैट? ओह माय गॉड, क्या कर सकते हैं यार, ओनली डॉटर है, पापा ने कहा कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. वाओ, एंड फिर मोंटी की शादी तो हम इससे ज्यादा ग्रैंड करेंगे. मोंटी इज माय निकनेम. दैट्स नाइस मोंटी. और इसके पास ना बहुत बड़ी कार भी है. तेरे को देखा नहीं, लेकिन मैंने जब वीडियो कॉल किया था ना तो वो कार के साथ ही खड़ा था. Gloves. Thank you. Sit now. आप कॉफी चाय कोल्ड ड्रिंक क्या लेंगे? कोल्ड ड्रिंक चलेगा. ओके. यू नो अच्छा हुआ कि हम लोग जल्दी मिल लिए. यू नो नेक्स्ट वीक मैं बाली जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इट्स एन ऑल बॉयज पार्टी, एंड हम लोग बहुत अय्याशी करने वाले हैं. वेगस गई हो तुम? नहीं. अरे वेगस नहीं गई? अरे डूड वेगस का कैसीनो इट्स द बॉम्ब, मतलब 5-6 लाख तो ऐसे ही हार गए थे हम लोग. एंड इतनी शॉपिंग करी, कपड़े लिए, सनग्लासेस, एलवी के जूते. एलवी? अरे लुइस विटॉन. मैं दिखाता तुम्हें, वो पहन के नहीं आया क्या? ना इंदौर में बहुत धूल मिट्टी है, जब भी मैं दिल्ली बॉम्बे लंदन जाता हूँ वही पहनता हूँ. सी दिस वॉच, दिस शर्ट 1.5 लाख की है. तुम्हारा बर्थडे कब है? तुम्हें गिफ्ट करूंगा. थैंक यू. तुम ड्राइव पे चलोगे मेरे साथ? यू नो वो नई ऑडी ली है तो घूम के आएंगे. हाँ लॉन्ग ड्राइव, व्हाट डू यू से? तुम्हें वो तुम्हें चाहिए बाली से कुछ? मैं आते हुए ले आऊंगा तुम्हारे लिए बाली से. मोंटी, मोंटी क्या हुआ? दूर इतना टाइम क्यों लगा? हाँ बेटा बोलो. मॉन्टीज डैड. हाँ जी. बात ऐसी है दैट वी हैव किडनैप्ड योर सन. क्या बक रहे हो? 2 दिन में 20 लाख ले आए तो मॉन्टी विल बी सेफ. अगर पुलिस के पास गए तो उसके पीसेस भी नहीं बचेंगे. आई कॉल यू बैक लेटर विद द डिटेल्स. सुनिया हेलो हेलो. पल पल यादों में तड़प रहे हैं. हेलो, देखिए देखिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है. घर का सारा खर्चा मैं ही चलाता हूँ और मेरी तनख्वाह से सिर्फ मेरे घर का खर्चा चल पाता है. 20 लाख? नहीं नहीं, मैं इतने पैसे आपको नहीं दे पाऊंगा. देखिए जोड़ जाड़ के मेरे पास 1.5-2 लाख रुपए हो पाएंगे. हाँ, आप थोड़ा
तो मैं आज पड़ोस वालों से थोड़े पैसे उधार ले लूंगा, मगर मगर 20 लाख, मैं 20 लाख रुपए तो दे नहीं पाऊंगा। देखिए देखिए, मोंटी हमारा एक लौता बच्चा है। बुड्ढे, आज का दिन है, दे बस 10 लाख दे दे, वरना तेरा मोंटी हो जाएगा लेट मोंटी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे बच्चे को प्लीज कुछ मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए। हेलो हेलो डूड, बुड्ढा बोल रहा है पैसे नहीं है उसके पास। व्हाट, 1-2 लाख ही मैनेज कर सकता है बस? ऐसे कैसे? सॉरी मोंटी, मोंटी उठ साले, साले बहुत तेरा बाप बोल रहा है पैसे नहीं उसके पास। तेरे पास ऑडियो है ना साले, 80 लाख खर्च किए ना अपनी बहन की शादी में, पैसे नहीं दिया ना साले, तेरी किडनी बेच दूंगी साले, उठ फिंग लूजर। ओए राजीव मिश्रा, kidding me, damn what a fraudster, तूने झूठ बोला साले हमसे, तेरी खुजली है, तूने झूठ बोला हमसे, kill you, कल मोंटी me, प्यार में पागल हुआ है मेरा दिल, एक बेवफा के प्यार में पागल हुआ है मेरा दिल। हमारे पास कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है, 20 लाख तो क्या, 2 लाख भी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे बाबा ने 2 लाख भी एक साथ नहीं देखे होंगे, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मेरी 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 बात, मेरी बात तो सुनो प्लीज प्लीज। क्या हो रहा है ये? अच्छा प्रिया, पैसे ट्रांसफर हुए क्या? नहीं यार, आफ्टरनून में लास्ट 2 लाख हुए थे, उसके बाद से साला अभी तक कुछ नहीं। Dude, I'm telling you, he's not worth it. He's a greedy loser. I'm telling you, let's just kill him and dump his body somewhere. Abhinav ji, please, Maya ji, please, मेरे को जाने दो. And then let's just figure out someone actually rich. साले का गला दबाकर मार देते हैं और नाले में बॉडी डंप कर देते हैं. What say? गला दबाकर मार डालते हैं. ऐसी किसी की लाइफ लेना इजी है क्या? और वैसे भी हमारा प्लान सिर्फ इसको किडनैप करने का था, ना कि मारने का। ये साला चोमेश्वर सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा एंड विल गेट अस ऑल। नहीं नहीं जाऊंगा। इडियट, तू रुक बेटा, तुझे तो चाकू से मारेंगे लूजर। लिसन लिसन, वेट वेट लिसन, मेरी बात सुनो, अगर ये चाकू से भी नहीं मरा तो हमें इसका मर्डर वैसे ही प्लान करना होगा जैसे हमने इसकी किडनैपिंग की थी। एक्चुअली शी इज राइट, if you'll stab him, blood will spill everywhere and then badboo, people will easily get to know, aur phir itne bade sharir ko lekar kaise jayenge? Dude, these things need to be sorted. Yeah,
सीम्स लाइक यू गाइज आर राइट. अपने इस चाकू से अनियन की स्किन नहीं निकलती, इसकी क्या निकलेगी. वी नीड अ गुड ह्यूमन कटिंग नाइफ. रुक चल शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं. हाँ. We need bleach. Dude, plastic sheet. Roll cleaner. Exactly. And cutter. Tissues? मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ और लेकिन पैसे तो है नहीं मेरे पास, तो तुम मुझे ATM कार्ड दे दो. कैश विद्रॉ करने मैं जाऊंगी और फिर हम शॉपिंग भी कर लेंगे. करेक्ट. कीज ले आरुज. सुन, हम लोग डोर बाहर से लॉक करके जा रहे हैं ताकि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे. और हम डोंट वरी, जल्दी आ जाएंगे. What? ये लोग कहाँ गए? She lied. Shall we start? Okay. अपर्णा जी, टिंगल फॉर सिंगल अटेम्प्टेड मर्डर केस में पुलिस को सस्पेक्ट्स तक पहुंचाने में आपका खास रोल रहा है. आज हम इसी के बारे में आपसे बातें करना चाहते हैं. हमें बताइए कि मिस्टर राजीव को बचाने का डिसीजन आपने क्यों और कैसे लिया. देखिए, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है, मुझे एहसास है इसका और मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ. लेकिन मेरी हालत बहुत बुरी थी, मुझे बहुत पैसों की जरूरत थी अपने भाई की सर्जरी के लिए. रेंट तक देने के पैसे नहीं थे मेरे पास, तो अपने भाई को बचा पाना तो. लेकिन ये कोई वजह नहीं है किसी की जान लेने के लिए या फिर ऐसे किसी प्लान में शामिल होने के लिए. अगर मोंटी को कुछ हो जाता ना तो मैं अंदर से मर जाती. मेरे अंदर की अपर्णा, मेरा जमीर, मेरा ईमान सब मर जाता. और पैसों के लिए अपने जमीर को बेचना मैंने सही नहीं समझा. तो आपके भाई की सर्जरी का क्या हुआ और अब आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? अभी भी वैसी ही है. आप लोगों के मीडिया कवरेज की वजह से मुझे 2-3 जॉब ऑफर्स आए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ. लेकिन अभी एक छोटी कंपनी ने मुझे जॉब ऑफर की है, उन्हें सब पता है मेरे बारे में. मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक दूसरा मौका है अपने आप को प्रूव करने का और आगे बढ़ने का. ओके. मैं आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज देना चाहती हूँ. मुझे अभी भी सजा हो सकती है, लेकिन माँ कहती है कि रातों को सुकून की नींद सबसे बड़ा अचीवमेंट है. एटलीस्ट मुझे इस बात की तसल्ली है कि जब सही और गलत चुनने का वक्त आया तो मैंने सही का साथ दिया. बस यही कहना चाहती हूँ.
धन्यवाद।